अगर तुझ में हिम्मत हो कि हजार लोग कह देना उनको कि मैं आ रहा हूँ अपनी KGF लेने। मेरे दोस्त लायक कोई यार नहीं, इट्स मी, आई कांट अवॉइड। स्याही से नहीं बढ़ेगी, अगर आगे बढ़ा। कुदरत का करिश्मा तो देखो, उस रात दो घटनाएं हुई तो फिर से खून ही मांगेगी। शेट्टी, मुंबई का बादशाह, क्या चाहिए तेरे को? There will be no more tolerance. मेरा खून भी तो लाल ही है। घुस के मारेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब मस्त होगे, व्यस्त होगे अपने कामों में। तो आज एक और न्यू मूवी की जो हमें फुल एक्सप्लेन करेंगे भाई, आज करेंगे हम RRR को कि RRR मूवी में क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ रहा, वो RRR 2 कब आएगी, क्या होगा भाई, सभी बातें जो आपको इसी वीडियो में बताई जाएंगी। तो सबसे पहले बात करें भाई RRR 2, जूनियर NTR और रामचरण की जो मूवी थी भाई, वो एक नंबर हिट रहने वाली मूवी थी, जिसमें जिसको डायरेक्ट किया था SS राजामौली ने, जिस मूवी को डायरेक्ट किया था RRR 3 के बारे में, RRR मूवी के बारे में जो आज हम आपको फुल एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है। मूवी स्टोरी एक रामचरण यानी कि एक लड़की से स्टार्ट होती है। एक ऐसा ग्रुप होता है जिसकी कोई लड़की उठा लेता है, अंग्रेज उठा के ले जाते हैं, और उसी लड़की को जो है लेने के लिए, उसी लड़की को अंग्रेजों से छीनने के लिए जो है जूनियर NTR अपनी फुल ताकत लगाते हैं, और खुद खुफिया जो है प्लान स्टार्ट करते हैं। तो भाई उस टाइम पे कुछ ऐसा आया करता कि जैसे कि हम किसी, जैसे कि अंग्रेज जो राज होता और उनके घर से ही कोई लड़की जो उनको जो चीज़ पसंद आती थी वो चीज़ ले लेते थे, और वही लड़की अगर कोई और ले जाए तो उनकी बेइज्जती हो जाती और उनकी नाक कट जाती। तो इसी कारण से जो है भाई SS मतलब जूनियर NTR अपनी बच्ची को नहीं बचा पाए, अपनी बहन को नहीं बचा पाए, और भाई यही कारण रहा कि इस स्टोरी को जो लंबा खींचा गया, पूरे 2 घंटे 40 मिनट की मूवी को खींचा गया। इसने पहले दिन कमाए थे भाई। तो हम बात करेंगे भाई RRR के कलेक्शन के बारे में कि RRR मूवी ने कितना क्या कलेक्शन किया था और कितने दिन की क्या कमाई रही, टोटल कलेक्शन कितना हुआ और किस भाषा में कितना हुआ। देखो भाई RRR की बात कर रहे हैं तो RRR को 5 भाषाओं में जो है ऑल इंडिया में रिलीज किया गया था, और अब जो है चाइना तक जो है RRR मूवी को रिलीज किया गया, जैसे सलार को किया जा रहा है वैसे ही जो है RRR मूवी को चाइना तक जो रिलीज किया गया। तो अब बात करते हैं भाई इसमें मूवी में क्या कुछ रहा, जैसे कि हम बता पाए हैं आपको कि इस मूवी का जो बजट था वो 400 करोड़ का इस मूवी का बजट रखा गया था, जो कि जैसा आप सभी को पता ही है कि SS राजामौली कोई छोटे मोटे बजट की तो मूवी बनाते नहीं, तो इस करके इस मूवी का बजट 400 करोड़ का रखा गया। और अब बात करते हैं भाई सेकंड बात ये है कि इस मूवी ने कुल 1200 करोड़ का जो है भाई बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, और 400 करोड़ के बजट में 800 करोड़ का प्रॉफिट देकर ये मूवी ब्लॉकमास्टर हिट रही। और एक इसका गाना बहुत ही घना हिट, बहुत ही पैसे कमा कर जिस मूवी को दिया, जैसे नाचो नाचो सॉन्ग की हम बात कर रहे हैं, उसने मोटा पैसा कमा कर भाई दिया है, और उस सॉन्ग पे भी ये 1.5 करोड़ का जो खर्चा वो बताया जा रहा है। तो अब बात करते हैं भाई, ये तो हुई मूवी के कुछ अच्छे पॉइंट, अब बात करें हैं मूवी के कलेक्शन के बारे में। तो फर्स्ट डे मूवी को हाउसफुल रहे थे भाई, फर्स्ट डे तो रहने ही थे,
और उसी टाइम पे केजीएफ सेक्टर 2 को भी रिलीज किया गया था और ट्रिपल आर को भी, मतलब भाई भयंकर तबाही आने वाली ही मूवी, दो मूवी एक साथ रिलीज। तो पहले दिन कमाए भाई ट्रिपल आर ने जो है 65 करोड़ का कलेक्शन किया और दूसरे दिन बताया जा रहा है कि टोटल मिलाकर जो है 100 करोड़ के प्लस जो है पहुंच गई थी। और उसके सामने वैसे ही बहुत बड़ी मूवी रिलीज की गई थी और कम ही शो मिले थे पहले दिन, लेकिन फिर भी जो है दो दिन के अंदर अंदर पूरे इंडिया के अंदर 100 करोड़ की कमाई जो है ट्रिपल आर ने बॉक्स ऑफिस पे कर ली थी। क्योंकि रिव्यू जो आ रहे थे वो एक पॉजिटिव रिव्यू आ रहे थे, एक अच्छे रिव्यू आ रहे थे। तो इस करके जो है भाई केजीएफ चैप्टर मतलब सॉरी ट्रिपल आर जो है हिट रहने का यही कारण हुआ और धीरे धीरे कर पूरे एक हफ्ते के अंदर जो है 250-300 करोड़ के जो कलेक्शन वो कर लिया गया था। 300 करोड़ का कलेक्शन भाई और एक हफ्ते के अंदर अंदर, वीकेंड भी नहीं आया था। और उसके सामने एक बहुत बड़ी मूवी जो रिलीज की गई थी जैसे कि केजीएफ चैप्टर 2 को रिलीज किया गया था और फिर भी जो है इतना कलेक्शन कर लिया और पूरे 40 दिन तक जो है ट्रिपल आर को थिएटरों में लगाए रखा और 40 दिन में अंदर अंदर पूरे इंडिया के अंदर जो है 1200 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था मूवी ने। और बाहर भी रिलीज की गई थी जैसे दुबई और भी कई देशों में इस मूवी को रिलीज किया गया था, जहाँ जहाँ भी जिन भाषाओं में जो है रिलीज होती है मूवी, जैसे चाइना और भी कई देशों में रिलीज किया गया था वो। उसके बाद टोटल मिला के 1400 करोड़ की जो है कमाई करी है ट्रिपल आर ने। और भाई एसएस राजामौली की ये शायद ऐसी मूवी यही रही जिसने कम कलेक्शन किया, क्योंकि इसका पार्ट 1 था, इतनी उतावली नहीं थी जनता की भाई बस देखना ही देखना है चाहे जिन जो है धरती इधर की उधर हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं थी। वैसे ठीक थी, जो भी थी मूवी अच्छी थी और एक नेक्स्ट लेवल मूवी थी भाई। ऐसे VFX और ऐसा सिस्टम, तो कमेंट करके बताइए आपने वीडियो मतलब मूवी कहाँ देखी, थिएटरों में देखी या फिर OTT पे देखी। भाई मैंने तो देखी OTT पे, थिएटरों में मैं केजीएफ चैप्टर 2 देख रहा था वो भी 2 बार, तो मैं जो ट्रिपल आर को नहीं देख पाया थिएटरों में। और थिएटर में देखता तो भाई बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता, तो सॉरी मैं नहीं देख पाया। तो भाई अब SS राजामौली की नेक्स्ट मूवी कौन सी आने वाली है और उन बातों को पूरे 2 साल के लगभग जो है समय हो गया है KGF को आए हुए, लेकिन SS राजामौली की कोई मूवी नहीं आई है। और प्रशांत नील की मूवी जो है वो आ चुकी है जिसे हम कहते हैं सलार सीज़फ़ायर Part 1। तो अब देखते हैं SS राजामौली की कौन सी मूवी आएगी और भाई प्रशांत नील की कौन सी न्यू मूवी आएगी। तो इन मूवी को दो जो है ट्रिपल आर की एक स्टोरी, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी इमोशनल कर देने वाली यारी, मतलब आपको ड्रामा एक्शन थ्रिलर भरपूर देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। भाई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी इस मूवी के अंदर। तो भाई मूवी का इंतज़ार है, ट्रिपल आर शायद 2 भी आ सकती है, लेकिन बाहुबली तो आएगी नहीं 3। देखते हैं SS राजामौली किस फिल्म पे काम कर रहे हैं और जूनियर NTR की नेक्स्ट मूवी जैसे कि देवरा, तो देवरा कब क्या होगा भाई ये किसी को नहीं पता कि देवरा के अंदर कब किसने क्या होगा। तो इस मूवी की हमारे पास इतनी ही अपडेट थी। अब अगली बात करें भाई जट एंड जूलियट 3 के बारे में, तो वो हमारे दोस्त नीनू बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज बात करेंगे हम भाई जो है जट एंड जूलियट 3 के बारे में कि जट एंड जूलियट 3 में मूवी में क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ होगा। तो सभी बातें हम आपको इसी वीडियो में जो है बताएंगे भाई। तो जट एंड जूलियट में जो बताया जा रहा है कि जट एंड जूलियट 3 में जो कुछ बड़ा तबाही होने वाली है। और अब बात करें भाई क्या स्टोरी रहने वाली है, 2 स्टोरी रहने वाली भाई इसमें, 2-3 स्टोरियों को एक ही साथ दिखाया जाएगा। जैसे कि एक हिंदुस्तान का जो है मतलब पंजाब का पुलिस ऑफिसर होता है वो किसी मिशन के लिए विदेश चला जाता है, जैसे कि अमेरिका चला जाता है, वहाँ पे ही एक उनको जूलियट मिलती है पंजाब की, जो वो भी एक वहीं की अमेरिका की पुलिस में रहती है और
वहाँ जाके जो है दोनों ही एक ही कमरे में रहते किराए पर, और वहीं पे उनकी जो है कुछ बातचीत जो स्टार्ट हो जाती है, और वहीं उसी के आर बार जो है स्टोरी को घुमाया जाएगा। जैसे बता रहा है कि दिलजीत दोसांझ की वो एक्टिंग वो अच्छी है, और वैसे भाई जट एंड जूलियट 3 का एक बड़ा ही रोल है, क्योंकि जट एंड जूलियट 3 बहुत ही फेमस वेब्स जो मूवी है वो फ्रेंचाइजी है वो है। तो इसमें भाई जट एंड जूलियट अपना मिशन के लिए काम करता है, और वो उसमें कानून दिखाती है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। और दिलजीत दोसांझ यानी कि जूलियट जट अपना वही जट्टो वाली करता है देसीपना, और उसके ही हर बार आपको स्टोरी पूरी बताई जाएगी। तो स्टोरी में कुछ ऐसा भी रहने वाला है जो आपको देखकर बहुत ही कॉमेडी ड्रामा आपको इसमें भरपूर देखने को मिलेगा। और जो है चौपाल पे आपको कुछ समय बाद चौपाल पे जो है मूवी देखने को मिल सकती है। इसके राइट चौपाल प्लेटफॉर्म वालों के ओटीटी वालों के पास है। तो अब बात करें भाई ये कि ये मूवी में क्या कुछ और नया होने वाला है। भाई जट एंड जूलियट 3 यहीं पे एंड हो गई इसकी स्टोरी, आगे शायद इसको नहीं बढ़ाया जाएगा, और बढ़ाया भी जाएगा तो बहुत कुछ समय बाद ही जो है इसको आगे बढ़ाया जाएगा, आगे की जो स्टोरी वो दिखाई जाएगी। तो हमें तो यही लगता है कि भाई जट एंड जूलियट 4 नहीं आएगी, लेकिन क्या पता इन भाई पंजाब वालों का, बॉलीवुड वालों का। और इसका कम बजट में आपको बड़ा दिमाग का जो है जट एंड जूलियट वाला देखने को मिल जाएगा। और भाई अब बात करें कि इसने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, फर्स्ट डे इसने सिर्फ 10 करोड़ ही की जो है कमाई की, क्योंकि इसको एक ही भाषा में जो रिलीज़ किया गया था, लेकिन भाई फिर भी 10 करोड़ जो है इसने बहुत अच्छी ही ओपनिंग बताई जा रही है कि बहुत अच्छी ओपनिंग की 10 करोड़ की भी। लेकिन फिर भी भाई क्योंकि मूवी अभी तक जो है लगी हुई है, और इस मूवी को काल की मूवी के सामने जो है रिलीज़ किया गया था, लेकिन अभी तक भी ये थिएटरों में चल रही है, लगी हुई है। उसका कारण नहीं कि क्या कारण है कि अभी तक थिएटरों में लग रही है, लेकिन मूवी अभी तक थिएटरों में लगी हुई है। और भाई अब बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ ट्विस्ट आएगा मूवी में, ट्विस्ट इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जो बात करें सबसे पहले कि इसमें आपको देखने को मिलेंगे, मतलब पहले दिन इसने 10, अभी तक इसका बजट था भाई 50 करोड़ का, और अभी तक इसने जो है 70 करोड़ की बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर लिया है। और अब जो रह गया वो हमारा क्या बोलते हैं उसको OTT राइट वाला, वो अलग हो गया, और यूट्यूब से जो इनकम करेगी वो अलग। लेकिन अभी तक जो इसने की कमाई कर ली है 70 करोड़ प्लस की, और अभी भी थिएटरों में लगी हुई है। तो इसने पूरे 2 वीक हो गए हैं लगी हुई को, लेकिन भाई अभी तक जो है थिएटरों में ऑडियंस इसको देखने के लिए जा रही है। तो क्योंकि इसको कम ही जगह पर रिलीज किया गया था, और इसका प्रमोशन भी बहुत जगह है, बहुत हाई लेवल पे इसका प्रमोशन जो है वो किया गया था भाई, जैसे बड़े बड़े साउथ के एक्टरों के साथ, और बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टरों के साथ, और बड़े बड़े भाई हाँ उनके साथ जो इस मूवी का किया गया था। तो भाई अब देखते हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं, कि जट एंड जूलियट आपको कैसी लगती है। और अगर किसी ने देखा है और यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहा है, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जट एंड जूलियट मूवी कैसी लगी। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, और भाई दिलजीत दोसांझ की और भी मूवी आने वाली है। बैड न्यूज़ में भी जो दिलजीत दोसांझ, एमी ब्रिक, विक्की कौशल और भी जो है स्टार कास्ट है, तो मतलब हर साल 3-4 मूवी दिलजीत दोसांझ अपनी ड्रॉप करते हैं, हर साल 3-4 मूवी, क्योंकि अब वो सॉन्ग कम कर रहे हैं, मूवी ज़्यादा कर रहे हैं। मूवी में भाई कम लगता है ज़्यादा आता है।